हाय गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो गाय लगा रहे हैं पहली बार लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि दूध निकाल पाते हैं कि नहीं, प्रयास कर रहे हैं। अब लास्ट में आपको पता चलेगा कि दूध निकला कि नहीं निकला। अब ये सीख रहे हैं, पहली बार जो है तो गाय के पास आए हैं, और हम चाहते हैं कि आप ये पूरा वीडियो देखिए और देखिए कि ये सफल हो पाते हैं कि नहीं। ये इनकी एक चुनौती है और हम लोगों ने इनको चुनौती दी कि आप दूध निकाल के दिखाइए। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए क्या होता है आगे, क्योंकि इसका बच्चा भी नहीं है। ये जो इस तरह से दूध को थन को कर रहे हैं, तो बच्चे का काम इनको करना पड़ रहा है। देखते हैं गाय दूध बाहर करती है कि नहीं करती, क्योंकि जब बच्चा होता है तो गाय पिलाने के बाद अपने दूध में तुरंत आ जाती है। तो गौपालक गाय के दूध को निकालते हैं, लेकिन जब बच्चा नहीं होता तो गाय का दूध निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। वही प्रक्रिया ये प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कितना सफल होते हैं। अगर ये सफल हो गए दूध निकालने में, तो नेक्स्ट वीडियो भी इनका आएगा और नेक्स्ट में भी इनकी मिल्किंग आप लोग देख पाएंगे। चलिए, ये शुरू कर चुके हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं बने रहिए और देखते रहिए। रुके रहेगा। हाय गाइस, ये मिल्किंग कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, इनकी मेहनत सफल हुई और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और दूध को पूरा निकाल चुके हैं। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इन्होंने कोशिश की और आज इस विदेशी गाय की, ये विदेशी गाय है और बहुत ही शांत और सरल है, इसकी मिल्किंग हो चुकी है। अब कई लोग बैठे हैं इसको देखने के लिए, मिल्किंग को, ये दो से तीन लोग, ये लोग भी बैठे थे देखने के लिए कि क्या होता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये लोग भी सब जिज्ञासा में थे। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा लगा आप लोगों को, बोलिए जोर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक बाल्टी दूध निकला है और ये महिला फिर से आई है। ये महिला जो है, थोड़ा सा घूंघट खोलिए, इधर देखिए, ये जो है तो पूरा काम यही करती हैं। और नेक्स्ट में जो है तो ये दूध निकालेंगी और वीडियो बनेगा, वो भी आप लोगों को दिखाई देगा। खोलिए, थोड़ा सा दिख जाए,
इधर चले जाइए मेरे तरफ। हाँ, कब से दूध लगा रही हैं आप? आप भी लगाती हैं? बोलिए। 4 साल से। किसको किसको लगाती हैं? गाय, भैंस। गाय और भैंस, बहुत बढ़िया। गाय और भैंस का मिल्किंग करती हैं ये। धन्यवाद फिर से वीडियो में जो है, तो आप नेक्स्ट में आइएगा, मैं कल या परसों आऊंगा तो आपको जो है मिल्किंग करना है। ओके। ये है प्योर मुर्रा भैंस, इसकी क्वालिटी देखिए, इसकी सेक से पता चलता है इसके मुर्रा होने का, कान से लेकर के। वो तो अभी बच्ची है, बच्ची नहीं है, आगे एक के बाद वो बन जाएगी। हाँ, बनेगी ये नेक्स्ट जो है, इसको भी बनना है लेकिन अभी बनी नहीं है। इसकी माँ कहाँ है? ये कितना दूध देती है एक बार में? 5। प्योर मुर्रा है भैया, वाह। ये माताजी है एकदम प्योर मुर्रा भैंस, ये यहाँ प्योर मुर्रा। और ये जो है तो गौपालक पशुपालक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। थोड़ा इधर देखिए आप हमारे तरफ, कितने भैंस हैं, कितनी गाय आपके पास हैं वर्तमान में? हाँ, वर्तमान में एक गिरी गाय, हाँ, दो भैंस, एक बच्चा है। हमारे पास 12-13 थे। आप थोड़ा सा बताइए कितने हैं, कौन कौन सी हैं? 12-14 थे। उनके पास चल के बताइए ना थोड़ा सा। चल के अभी कहीं देख लिया, जितनी आई 7-8 थे। एक गाय ये है और एक भैंस है, ये सुबह देती है दूध। बहुत बढ़िया। ये हैं कुमार साहब जो दूध को निकालने के एक्सपर्ट हैं, कुछ देर में दूध निकालेंगे। इनका लगाने का ही आइडिया, बहुत तकनीक जो है तो बहुत तेज है, क्योंकि जो गाय भैंस है जितना जल्दी दूध निकाले उतना जल्दी दूध उनका निकलता है, कि धीरे धीरे दूध जो है डाउन हो जाता है। और ये अरविंद देव जी प्यासी जी हैं, इनके पास भी कई गाय हैं और गाय के प्रति इनका भी रवैया बहुत अच्छा है। टीचर पेशे से हैं ये, लेकिन टीचिंग तो अपने समय में करते हैं, शेष समय में अपने गौ के प्रति, भैंस के प्रति, घर के प्रति जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो चलिए, किसको चलेंगे उसको पहले चलिए। आज एक नई गाय का मिल्किंग होगा, हाँ ठीक। ये इतना सारा जो भूसा है इन्हीं के लिए है। एक साल की व्यवस्था भूसे के रूप में करनी पड़ती है ताकि जानवरों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। ये भूसे का पहाड़ है। एकदम महीन भूसा बना हुआ है। ये गेहूं का भूसा स्टेसर से टेस्टिंग हुई है। गाय इधर बधी हुई है। चलिए, किसको लगाएंगे, किसका दूध निकालेंगे पहले? इसका, इसका। हाँ तो आइए, अरे खुद देर में निकाल, पहले भीतर बना लेते वीडियो। चलिए, ये जो है ये इतना बढ़िया जो है तो पूरा गौओं के लिए है। पूरा नीचे का सिस्टम है, पानी वगैरह जो है तो यहाँ जो कुछ भी इनका मूत्र गोबर वगैरह है पानी से निकाल देते हैं। बड़े सिस्टम से बना हुआ है और सब नीचे जो है तो सबको बांधने का अलग अलग है, क्योंकि अगर जानवर को रखना है तो उनका सिस्टम भी बनाना पड़ता है। और ये अंदर भी सिस्टम है। और 3 गाय जो है तो यहाँ बधी हुई हैं, बाहर अंदर करना पड़ता है। शाम से थोड़ा हो गई है तो शाम के कारण जो है तो क्लियरेशन में कमी भी आ सकती है, लेकिन इसके लिए हमको खेद है। जितना संभव हो रहा है हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ब्लैक है और शाम के समय भी ब्लैक है तो कम दिखाई देगी, एक नीचे आगे गिर टाइप की है। ये कौन सी नस्ल है? अच्छा, ये साहीवाल नस्ल है, साहीवाल नस्ल। इसकी मिल्किंग करेंगे सुबह, एक बार देती है ये 14 महीने। थोड़ा इधर देखिए, ये जो है सब गायों का पूरा सेवा मतलब ये करती हैं सुबह से शाम तक। धन्यवाद है इनको। थोड़ा सा चेहरा खोलिए, दिख जाए, लोग देखेंगे।
गांव प्रथा है, गांव की प्रथा में लोग घूंघट का बड़ा महत्व है, लेकिन हो गया घूंघट इतना भी न रखना चाहिए कि आदमी गिर जाए। ये जो है तो खाने पीने का इनका जो है तो पूरा भंडारण है, भूसे से लेकर के अन्न से लेकर के। और चलिए आइए तैयारी करवाइए, बहुत बढ़िया।